नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि उनका कूपन रिचार्ज नहीं होगा। कुछ एक मुद्दे जरूर हो सकते हैं और ये विवाद पूरी तरीके से वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विवाद है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा। मुकेश सहनी जी गलती कर गए, झांसे में फंस गए। अब असली चेहरा बीजेपी का यही है, उनको समझ में आ गया होगा। अब आदरणीय मांझी जी का भी वही हाल होना है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। के सहनी जी के साथ जो बीजेपी ने किया ये तो होना ही था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि उनका कूपन रिचार्ज नहीं होगा। और जस करनी तस भरनी, अब तो सीधे सीने में खंजर भोंका मुकेश सहनी जी को बीजेपी ने। तीनों विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। अब आदरणीय मांझी जी का भी वही हाल होना है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। निषाद समाज मल्ला समाज को अपमानित किया है। अब मुकेश सहनी जी को एहसास हो रहा होगा जो उन्होंने गलती की थी। मल्ला समाज निषाद समाज की लड़ाई लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी उनके हक और हकूक की लड़ रहे हैं। सम्मान दिया तेजस्वी यादव जी ने, 3 सीट लोकसभा में दिया। मुकेश सहनी जी गलती कर गए, झांसे में फंस गए। अब असली चेहरा बीजेपी का यही है, उनको समझ में आ गया होगा। अब छटपटा रहे हैं मुकेश सहनी जी, अब कोई उपाय नहीं है, जैसा किया है वैसा पा रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कुछ एक मुद्दे जरूर हो सकते हैं और ये विवाद पूरी तरीके से वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विवाद है। इससे एनडीए में शामिल किसी राजनीतिक दल को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा, इससे एनडीए के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।